आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुर द्वारा के गांव मानपुर दत्तराम पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 52 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 8 किलोमीटर है। 3500 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती ओमवती के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। 4 वर्ष में इन्होंने गाँव में क्या क्या विकास कराया है, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुर द्वारा के गांव मानपुर दतराम में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, यहां 4 साल आपके प्रधान आपकी पत्नी है यहां पर ओमवती जी, आप जो 4 साल उनके कार्यकाल को लगभग बीत चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य यहाँ अब तक इस गांव में आपने करवा लिए हैं? विकास कार्य सीसी चार्ज नाली कराई है जी, और स्कूलों में कार्य कराया है जी, आवास मिले हैं आपके गांव में लोगों को? हाँ, आवास भी मिले हैं गांव में जी, आवास भी बनवाए हैं। शौचालय से गांव डीएफ हो गया? हाँ, शौचालय से गांव डीएफ हो गया, शौचालय बनवाए हैं जी, और जैसे पानी सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह यही लगवाई हूँ। ये तो अभी नहीं लगवाई है, कूड़ेदान लगवाए गाँव में, कूड़ेदान भी नहीं लगवाए हैं जी, और ये जो है पानी की व्यवस्था, जैसे नल खराब हो जाते हैं नल रिबोर कराए हैं, हैंडपम्प वगैरह हैंडपम्प लगवाए हैं, रिबोर कराए हैं जी, और नाले बनवाए हैं, जहाँ नाला निर्माण किया कराया है। जो सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार जो योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए, जैसे कि उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा जो सरकार दे रही है, क्या आपकी ग्राम पंचायत में सभी लोग ले पा रहे हैं उसका लाभ? सभी लोग ले पा रहे हैं, कोई ऐसा बचा है जिसका नहीं आया है अभी, किसी की प्रॉब्लम हुई है खाते में तो उसका नहीं आया, बाकी जो है सभी के पैसे आ गए हैं। किसानों को यहाँ बीजों पर सब्सिडी वगैरह मिल रही है? हाँ, बीजों पर सब्सिडी वगैरह मिल रही है, सब कुछ मिल गया है, हमने लाभ मिल जाएगा किसानों को। 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिलती है, समय पर मिल जाती है? 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिलती है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये सभी के बने हैं? हाँ, आयुष्मान कार्ड भी सबके बने हैं और राशन कार्ड भी सबके बने हैं जी। हाँ, सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर ये है ग्राम पंचायत में? पंचायत घर है मानपुर दतराम में जी। हाँ, बारात घर है? बारात घर नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान भी कोई नहीं है यहाँ पे। शमशान घाट कब्रिस्तान बने हुए हैं? शमशान घाट कब्रिस्तान बने हुए हैं, लेकिन शमशान घाट नहीं बने हुए सबके यहाँ। तो शमशान घाट के लिए यहाँ कितना दूर लोगों को जाना पड़ता है? शमशान घाट के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, अब जो है जमीन की तलाश करिए, बनाएंगे उसे भी शमशान घाट होगी। मतलब आपकी कोशिश है कि आप इस बचे हुए कार्यकाल में शमशान घाट का निर्माण यहाँ पर करवा देंगे? करवा देंगे शमशान घाट का निर्माण जी। अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मांग सरकार से क्या रखना चाहेंगे, यही है कि सरकार से पैसा आए तो गाँव सही हो। क्या कच्चे रास्ते अभी बाकी हैं आपके गांव? कच्चे रास्ते तो अब सब हो चुके हैं, सब करा दिए, अब तो कोई कच्चा रास्ता नहीं है, वैसे सब कुछ ठीक हो। कितने गरीब पात्र अभी यहाँ ऐसे होंगे इस गांव में जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? गरीब पात्र तो अभी काफी हैं, जो अब लगभग करीब 60-70 हैं ऐसे जो बिना मकानों की आवश्यकता है, जिनका नाम सूची में दे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करा दिए गए हैं उनके, अब मकान उनके बन जाएंगे, सूची में नाम उनका है, रजिस्ट्रेशन। पानी की व्यवस्था आपके गांव में सही है? पानी पीने का शुद्ध है? पानी पीने का शुद्ध है हमारे गांव में, पानी की व्यवस्था सही है। सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था भी ठीक है सब। क्या सफाई कर्मी यहाँ आते हैं? हाँ, सफाई कर्मी आते हैं यहाँ। इसके अलावा कोई और समस्या आपके ग्राम पंचायत में? काफी बड़ी ग्राम पंचायत है, 3,035 वोट आपने यहाँ बताए हैं, तो क्या अस्पताल यहाँ आपके आसपास है, आपके ग्राम पंचायत का अस्पताल है? अस्पताल है ग्राम पंचायत में, क्या उसमें डॉक्टर्स वगैरह सब बैठे हैं वगैरह, दवाई मिल जाती है? दवाई मिल जाती है, कोई परेशानी यहाँ नहीं होती इस तरह? कोई परेशानी नहीं होती इस तरह जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत के लिए और ज्यादा सुधर बनाने के लिए? सरकार खास तौर से आपकी तरफ ध्यान दें, सांसद निधि या विधायक निधि से आप कोई मदद यहाँ अभी तक मिली है? सांसद निधि से कोई मदद नहीं मिली है, ना कोई विधायक निधि से कोई मदद मिली है। यहाँ जितना भी कार्य हुआ है वो आपने अपने अपने पद पर कार्य होकर ही यहाँ करवाया। जैसा कि आपने देखा यहाँ प्रधान ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ अब तक करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, नाली निर्माण, नाला निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो गया है, स्कूल पर भी काफी कार्य करवाया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर और पंचायत घर को लेकर यहाँ प्रधान मांग रखते हैं, खेल का मैदान भी यहाँ पर नहीं है, शमशान
निशान घाट यहाँ बना हुआ नहीं है, लेकिन अब बचे हुए कार्यकाल में प्रधान जी का मानना है कि वो इस बचे हुए कार्यकाल में इसको निर्मित कर देंगे। अशोक फली के साथ मैं नाजरीन।